हेलो एवरी वन वेलकम टू सुप्रीमो क्लासेस एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड दिस इज अ पार्ट सेकंड अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज में दे रखी है वो वीडियो आप देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आने वाले वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी एंड दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यूर एग्जामिनेशन सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो लोकल गमेंट इज मैंशन इन द स्टेट लिस्ट अंडर द सेवं शेड्यूल लोकल गट को इज मैंशन की गई है स्टेट लिस्ट में सेवंथ शेड्यूल में वेन वॉज द पंचायत राज इंट्रोड्यूसड इन इंडिया तो नाइनटीन फिफ्टी नाइन को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायत राज को विच स्टे विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज आफ्टर सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू के बाद जो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद कौन सी फर्स्ट स्टेट थी जिसने पंचायत राज को इंट्रोड्यूस किया था तो राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टेट ऑफ राजस्थान जो थी उसने फर्स्ट स्टेट थी जिसने पंचायत राज को इंट्रोड्यूस किया आफ्टर सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट के बाद द पार्लियामेंट पास द सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट टू ग्रैंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव स्टेटस बाय एडिंग जो पंचायती राज को लेजिस्लेटिव स्टेटस दिया गया लीगल स्टेटस दिया गया तो कौन से, से आर्टिकल्स ऐड किए गए थे आर्टिकल ऐड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन सा पार्ट ऐड किया गया तो 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 आर्टिकल टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री एंड पार्ट नाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूश कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया था ऑप्शन इज करेक्ट है Which वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत तो जो वन ऑफ द फॉलोइंग कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत तो आर्टिकल फोर्टी ए ऑप्शन इज करेक्ट है आर्टिकल फोर्टी डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत राज तो एलेवं शेड्यूल डील करता है पंचायती राज पे अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर स्टैंडिंग इन अ पंचायत इलेक्शन पंचायत इलेक्शन में खड़े रहने के लिए मस्ट है कितनी एज होनी चाहिए तो एज ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स याद रखना है ट्वेंटी वन ईयर्स अगर हो तो अ पर्सन टू तो बी क्वालिफाइड फॉर द स्टैंडिंग इन पंचायत इलेक्शन ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड इन एवरी फाइव ईयर्स ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द पंचायती राज सिस्टम तो कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करता है पंचायती राज को तो पार्ट नाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द पंचायत राज सिस्टम ओके okay, पार्ट नाइन याद रखना है मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्ले लिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस पर मैंने एम सी क्यू सीरीज़ बनाई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो